छठवें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु के दीक्षा तप व कैवल्य ज्ञान क्षेत्र श्री प्रभाषगिरी में पूर्णिमा को भगवान का कैवल्य ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अतिशयकारी भक्तामर महामंडल विधान के आयोजन में सभी भक्तों ने विधानाचार्य जी के दिशा निर्देशन में विधान की क्रियाएं करते हुए सभी का तिलक अभिनंदन भी किया। अशोकनगर के श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में भगवान पार्श्वनाथ जी की अतिशयकारी प्रतिमा पर महामस्तक अभिषेक किया गया। मंदिर के 20वें स्थापना दिवस पर धर्म सभा को संबोधित करते हुए मुनि श्री ने भारतीय संस्कृति को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। दिल्ली के विज्ञान भवन में भगवान महावीर का 2621वें जन्म कल्याणक महामहोत्सव में आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज ससंग का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। इस दौरान देश की राजनीति से जुड़े तमाम नेतागण एवं जैन समाज के महान विद्वान तथा गणमान्य लोग पहुंचे। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह एवं भोजपुरी अभिनेता एवं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। जीतो एवं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप द्वारा महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव अहमदाबाद में रथ यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाल कर मनाया गया। दिगंबर जैन महिला महासमिति की सदस्य साफा बांधे हुए जीप में बैठकर भगवान महावीर के नारों के साथ साथ रथ यात्रा में सम्मिलित हुए। एक समान परिधान में जैन महिलाओं ने भी प्रमुख रूप से इस महोत्सव में सहभागिता की। मालका बाजार बड़े मंदिर श्री चंदा प्रभु जिनालय में 10 अप्रैल को भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने भक्ति नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति को व्यक्त किया। प्रीति जैन ने बताया कि मंदिर अतिशयकारी एवं प्राचीन मंदिर है। प्रवचन केसरी मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में टूंडला के मुनि सुव्रतनाथ भगवान के मंदिर में अभिषेक एवं विधान पूजन किया गया। मुनि श्री ससंग का मंगल विहार टूंडला से अतिशय क्षेत्र पचोकरा की ओर हो रहा है। मंगल विहार के दौरान भक्तों की अपार संख्या गुरुवर के साथ थी।